तो भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समर का टायर फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों। और भाई गुड मॉर्निंग, आज जिम से ही हो रही है। और भाई सबसे बढ़िया गुड मॉर्निंग हमारी करी है कछुए ने। तो भाई आज हमने सत्यनारायण की पूजा भी रखी थी और देख लो कछुआ भी आ ही गया है। कब में आएगा ना, ये निकालना पड़ेगा। रुक तो भाई ये देख रहे हो भाई, भगवान की कृपा ही होती है जिसको नसीब होता है। देखो मैं हूँ। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? तो भाई कछुए के दर्शन कर लो। और भाई आज सत्यनारायण की पूजा करनी थी और सबसे पहले भगवान जी के ही दर्शन हो गए। तो भगवान भाई इनसे बड़े तो भगवान ले लिए। हमने इसको टब में रख लिया, मगर कभी बाहर कोई कुत्ता उत्ता काटे इससे बढ़िया पहले रख ही लो, फिर अपना झूठ में कर जाएंगे इसको। तैर लेगा ना ये। तो भाई अभी तो हम जिम पे ही रख रहे हैं अभी इसको, और थोड़ी देर बाद मतलब जब हो जाए यार इसको झोड़ में छोड़ देना ठीक है ना, क्योंकि फिर खाएगा पिएगा वही ठीक रहता है। क्योंकि भाई घर में रखना इलीगली बोला जाता है, क्योंकि वो नहीं, गवर्नमेंट भी अप्रूव्ड नहीं करते इसको, तो इसलिए भाई घर में रखना सेफ नहीं है और भाई कुछ भी केस वगैरह हो सकता है, इसलिए हम रखते नहीं है। इनका पता नहीं क्या क्या बना देते, क्या क्या मेडिसिन बन गया है यार। इनकी मेडिसिन बननी सही नहीं है ना, ये काट के पीते हैं फिर मेडिसिन बनावे यार, हद होगी। हेलो, किसी किसी को ही दर्शन होते हैं भाई इसके भी कछुए गए है ना। और अरे कहाँ से कहाँ चल के आया जिम के आगे है ना, ये रोड से आया होगा और डायरेक्ट हमारे जिम की तरफ ही आ रहा है ना। तो भाई देख लो, दर्शन कर लो। और भाई बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। हेलो हेलो, अब इसके लिए सोच रहे हैं खाने के लिए क्या रखें, क्या खाएगा ये है, क्या खाएगा देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा भाई क्या खाता है क्या नहीं खाता। तो भाई पूरा बीन चुका हूँ और भाई मैडम के लिए अब फूल वगैरह ले आया हूँ। मैडम क्या कर रहे हो आप? और भाई अपना वो कहाँ रख दिया कछुआ? कछुआ इसको छोड़ जाना यार, आज एक और हमने काम देख लिया, देखना ये कैसे घूम रहा है। हमने पंखे के नीचे रख रखा है। हेलो चिंटू, ओए ओए ओए, ना ज्यादा तेज मत भाग भाई, ठीक है तू? तो चलो भाई इसको छोड़ के भी आना है छोड़ में अपना, सब सब बढ़िया है। अब थोड़ी देर में जाएंगे नहा धोके, फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर छोड़ने चलेंगे। तो चलो जी फटाफट से नहा लेते हैं। और भाई कार्डियो तो कर ही आया हूँ और अपना जो मील है वो लेके अपना फिर पूजा पाठ करें यार, मेरे से भूखा नहीं जाया जा रहा। इसको बारिश में रख दो ना, बहुत भारी है, यहाँ रख दो, यहाँ यही रख दो बस, कि ज्यादा दूर ना जा पाए। कैसा मजा आ रहा है? कोई ना, अभी छोड़ के भी आएंगे तब चलते हैं। अरे पानी भर के बाहर ना आ जाए, पानी इतना ऊपर आया उतना ही ऊपर आने लग गया। और ना ना ना, ज्यादा नहीं निकल सकता, ये फिसलना है ना। हाँ किसी को भी बांध के रखने का हक किसी को भी नहीं है, राइट? आपसे कंट्रोल तो होनी नहीं भूख, दो घंटे पूजा में कैसे बैठोगे? क्या आज है ना, ये ले जाओ पीपल के ही चढ़ते ना, ठीक है? और भाई आप उसको छोड़ लेते हैं, उसके लिए फंड दिया है। और ये थोड़ा सामान ये पीछे रखना है यार, इसको पीछे रखना पड़ेगा आपको, सारा ले जाके ना पीछे रख लो। हाँ बस बहुत देर रह गई, इसको छोड़ आते हैं। चलो भाई आखिरी झलक दिखा देती हूँ, चल ना, इसके बाद ही जिएगा पर अपनी जगह पे जिएगा ये। चलते हैं, चल चल आ जा, आ जा चले।
खड़ा है, नहीं आ रहा ऊपर, शोर से और बोलने से नीचे हो जाता है ये। इसके पक्का या तो बच्चे होंगे या पति पत्नी, कोई तो एक होगा इसका। इसको हम अपने जो झोड़ में छोड़ गए, झोड़ में ही है ये सारे, वहीं से आया पक्का। पर ये आप ही क्या, चल चल के देखो ना, ये उड़ते भी, आपको नहीं पता ना, ये उड़ के भी कहीं से कहीं पहुंच जाते हवा में। अभी आप इसको छोड़ के देखो नीचे, पर दिखेगा आपको वहाँ गेट पे, उड़ते भी हैं ये, उड़ते भी, जब ज्यादा बड़े होते हैं ना ये उड़ते भी हैं। अब इनको छोड़ के आते हैं, अब फिर अपनी पूजा करते हैं। नहीं नहीं, तू बता जो तू नाम बोले वो रखेंगे। क्या कह रहे हो? नाम सोचना अच्छा सा। क्या कह रहे हो? पहले इसको देखो ये मेल है कि फीमेल है। अगर ये फीमेल है इसका नाम लक्ष्मी रख दो। फीमेल है तो लक्ष्मी, अगर मेल हुआ तो विष्णु। क्या नाम दिया देख लो। चल भाई तेरे जाने का टाइम आ गया, चलो खाएगा पिएगा नहीं। फिर भैया कछुआ देखो असली वाला, ये पता नहीं कहाँ झोड़ झाड़ से आ गया ये, तो इसको हम घर ले आए। चलो भैया भाई हम इसको छोड़ के जा रहे हैं झोड़ में, इसका नाम पता क्या है? अरे कछुआ नहीं, इसका नाम क्या रखा पता है? इसका नाम विष्णु या फिर लक्ष्मी, ठीक है? लड़का हुआ तो विष्णु है, ठीक है? क्या भाई सलाम से चल जा तू अपनी जगह पे। क्या भाई आगे कर दी, आगे कर दी बेटा, नहीं ना मैं बस आते जा, जाएगा जाएगा, रहने दे रहने जा रहा जा रहा। यशु आ चुकी है भाई, यशु हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो। अरे उस वाले हाथ से, इस वाले हाथ से, अरे इस वाले से बेटी, इस वाले से, चल ठीक है ये वाला ले। कैसा है? टाटा कर दे। चल प्यार कर दे, प्यार कर ले। और किसी ताई से नहीं करनी ना, ताई से प्यार नहीं करनी ना, नहीं करनी ताई से, अभी बोलेगी वो, और प्यार नहीं करना ताई से, ठीक है? हाँ जी 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 फोटो का फोटो, फोटो उतार कर दे दू, क्या चाहिए ये ले ले। ये बंदरू ले ले, छोटा सा ले ले, ये बंदरू ये ले ले, बंदर ना जानते मंकी जाने, इंग्लिश मीडियम में बता। मंकी इसे सुला दे, कहिए सोता कैसे है ये, इसे सुला दे, इसने सुला दे, नहीं लग रही इसने जान चुकी है, बड़ा लग रही है इससे, साथ कोई बात नहीं। क्या कह रहे पंडा जी, क्या कह रही है? पति पीछे पत्नी आगे, किसी रास्ते यही शास्त्र करता है, ठीक है ना? इसके लिए अच्छा करने का पूर्ण रूप में अधिकार, पीछे ही अच्छे लगते हैं, पति पीछे ही रहना। पूजा स्टार्ट करते हैं अपनी, आ जाओ भैया जी, आ जाओ। इसमें तो नींद डाल लग रही है, वैसे सो तो सो जा थोड़ी देर। ये सिर्फ टीम का तो दिखा दे एक बार, ये सिर्फ टीम का दिखा, फिक्स माइल ना चाहिए भाई। दीपो ज्योति 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 दीपो ज्योति
बचा हुआ सामग्री, जो बचा हुआ सामग्री उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर आपको किया है कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों होगा, क्यों किसी से कर लेगा ना भाई लड्डू कैसा लगा लड्डू, लड्डू अच्छा था ना, चल 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 खाना बैठेगा, कौन मना कर रहा, कौन खा ले जाएगा, कहाँ गई पगी ना, आ रहा है वो भी थोड़ी देर को खा ले वो बैठ के, उसका भाई भी बुला लेते साथ में, वो शायद काम पे गया होगा। तो भाई खाने में आज बना था ये, सबसे पहले भी था जो रायता, सबसे पहले छोले, पनीर, कौन सा शाही पनीर बोला जाता है ना, और खीर। तो भाई मजा आ जाएगा खाते, पर ये कीर्ति है ना, ये कीर्ति कहाँ बग्गी है, खा क्यों ना लेती, चल ऋतिक बोल दिए इससे ले, तो फिर एक बार वीडियो बना ले इसकी, चौक स्लैम मैं मारू कर दे आज लड़ाई हो जाए लड़ाई आज कीर्ति, मेरी तरफ से कटो मारो कुछ करो एक यो बैठ कर खाना नहीं खाता, ये सोन ही पड़ी है बस, हमने कही थी जागर है। आहा क्या है मैडम ये, तो भाई ये है मंदिर, देख रहे हो भाई कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मंदिर कैसा लगा। देखो मंदिर आप चाहे कैसा भी ले आओ, पर उसको आगे बनाना कैसे है और कैसे रखना है वो सब आपके हाथ में, ये तो बात है। वही तो चीज होगी ना मैडम, वही सब कुछ है, खाना खिला के प्रसाद खिला के सब कुछ खिला के अब फ्री हुई हूँ और आगे मैंने खाना ना, सबके खाने का जो संतुष्टि होती है ना भाई, वो मतलब पहले खा के नहीं होती, ये तो बात है, तो अच्छा लगता है, मैं भी तो नहीं मैं भी खा रही हूँ, ठीक है खाओ या मत खाओ, वर्कआउट तुम्हारा रोज का लिया, आज मौका मिल रहा है तो खा लो, उनका शनिवार है ना कल का दिन, पर हाँ मना नहीं करा, कई लोग ऐसे होते कि नहीं भाई नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, मजा आ गया ना भाई देखना भाई, एक नंबर के लोग, इसमें लाइट भी चलती है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको, दिखा दे तो भाई देख लो ये चीज लाए है, और भाई इनके लिए थोड़ा पूरा भी दिखाती हूँ, थोड़ा बड़ा मंदिर अच्छे से और घंटी के साथ, अगर मजा आ रहा है मेरे को देख के, और आप प्लीज ये बताना कैसा लगा आपको, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। तो भाई ये गणेश जी तो आपको पता ही है मेरे उसका आए थे बर्थडे पे, तो भाई सबसे बेस्ट गिफ्ट रहता है मेरे लिए, एक बार मोनू किसी एक की कमी है, किसी एक की कमी है, लाना ही पड़ेगा हमें खुद से, जो प्रेम करता वही लाएगा, तो भाई एक बार गणेश जी आ गए मेरे बर्थडे पे, एक बार हनुमान जी मोनू ने दे दिए, ये अभिषेक ने दिया है,
और हम खाटू श्याम जी तो लेते हैं, खाटू बाबा हमारे खाटू श्याम से ही है, खाटू श्याम भाई हर चीज है ना हमारी अलग अलग जगह से है ये हम और शंख हमारा क्या कहते हैं वहाँ से है सारासर बालाजी से, वहाँ से सारा और वहाँ से उज्जैन से उज्जैन वाले महाकाल आ गए। तो भाई देखो यही चीज है जो हमने कमाई है और जो हमने लगाई ठीक है ना, तो ये चीज जिसने कमा ली ना वो सारी चीजें मुझे आ गई ठीक है ना। तो भाई अब हमारा ये पुराना वाला मंदिर इसको हम वो कर देंगे विसर्जित, और इसको हम कोई ये सोचेगा इसको जो जलाएंगे वो करेंगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसको बस विसर्जित करेंगे। एक दो मूर्ति है पंडित जी उन्होंने बोला जो विसर्जित करना ही, एक दो मूर्ति है जो ज्यादा है उन्होंने बोला ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो वो भी विसर्जित हो जाएगी। हाँ उन्होंने भाई दो दो चीजें बताई है वो बताए थे, दो दुर्गा जी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए और तीन गणपति नहीं होनी चाहिए, एक चलेगा दो चलेंगे चार चलेंगे तीन तिगाड़ा होते हैं और बाकी तो भाई आज पूजा के बाद मेरे को लग रहा था मेरे बाल थोड़े ज्यादा भी बड़े हो रहे हैं तो इस मारे बाल कटवा के आया हूँ, तो भाई अब लुक देख लो एक नंबर का लग रहा है ना, तो भाई थोड़ा सा अब बाल बनाने की कोशिश करता हूँ पर मन नहीं मानता, फिर मन करता है थोड़े बाल इस बार बड़े बड़े कर लूँ, तो प्लीज़ वो जरूर कमेंट करके बताना कि भाई बड़े बाल रखूँ या छोटे बाल में मतलब इस शेप में अच्छा लगता हूँ या बड़े बड़े कर लूँ लंबे लंबे यहाँ यहाँ तक वो बताना जरूर ठीक है भाई। चलो अब जल्दी से चलते हैं जिम पे, किस पे था ये की कह रहे हो इतनी जल्दी के खरी यो तो कैसा लग रहा आज कितने साल की होगी ये चीज बता ही नहीं जाते भैया बता दे अब 5 साल तो पीछे कर दिए मैंने तू 5 साल तो पीछे कर दी तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं और अब भाई सच बताऊं बहुत ही हालत खराब हो गया, तो मतलब 11:30 बज चुके हैं अब जाके खाना खा रहा हूँ जो कि मेरे राइस अंडे और थोड़ा सा पनीर डाल रखा है इसमें और साथ में है सैलेड, तो भाई ये चीज़ हमने ग्रेनिंग की सबसे बेस्ट मील है तो ये खाते हैं भाई फटाफट से और देखते हैं मैडम क्या कर रही है। तो भाई आज मैडम आपको कैसा लगा आज पूरे दिन? मेरे को तो बहुत मजा आया, सुबह 6 बजे इतनी एनर्जी थी इसे पूछो कि मेरे 9 बजे उठने वाला बंदा एक आवाज़ में उठ गया। हाँ और दोपहर में हम कितनी देर सोए? आई थिंक 1.5-2 घंटा। हाँ 1.5 घंटा हाँ। बस और उसका एनर्जी डबल ट्रिपल तब होगी तब वो कछुआ साक्षात कुछ चल के आ गया, चल के आ गया। कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन होता है वो, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो ट्रिपल इसलिए भी हो गई थी क्योंकि इसी चीज़ की जिस जिसको बुलाया था वो सब आ पाए, बस एक ट्रेनर को छोड़ के आई थिंक उसको ज़्यादा थका थी तो उसको आ नहीं पाया, फिर कोई बात नहीं उसको हो गया। मैंने उसको 2 बार फोन करा उसको साथ मेरे घर में बनाया, मेरे को सारा जिम में बांटा है शाम को पर भाई सारा खाना खाना तो जितना बनाया था वो प्रॉपर बन और जो सारा खाना था वो लग गया और जो हमने प्रसाद रखा हुआ था वो भी सारा पट गया। हमारा ये सबसे बढ़िया रहता है, हमारा ना प्रसाद कभी रखा नहीं रहता ना कभी ऐसा रहता है, अगर बनाओ जिसके हाथ में कहते हैं ऐसा जिसने मन से बनाया हो का वास होता है ना जिस घर में जिस हाथ से बनता है, अगर वो कितने ही लोगों का बनाए वो कम नहीं पड़ेगा चाहे बच ही जाए और ये हमारे साथ ऐसा होता है तो भगवान इस चीज़ का धन्यवाद कि हमेशा कभी मेरी इज्जत खराब नहीं होती और जितने लोग बुलाए थे उतने ही आए भी और सब सब ने खाना बहुत अच्छा चढ़ाया।
और भाई सबसे बढ़िया बात है, हमने अपना मंदिर मतलब इतना अच्छा लग रहा है, अब ऐसा मन कर रहा है उसके सामने ही बैठे रहो। कल से हो रहे हैं गणपति बाबा जी के दिन शुरू, जो कि 11 डेज के रहते हैं, कोई 2 दिन 3 दिन मनाता है, कोई 5 दिन, कोई 11 दिन मनाता है। तो उसमें सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि भाई अगर आपके घर में ऑलरेडी मूर्ति हो, चाहे इतनी सी हो, आप उसी से पूजा करना, ठीक है। अगर आपको गणपति बाबा से प्यार होगा तो आप उसको ना खरीदोगे ना विसर्जित करोगे, हालांकि रूल वही कहता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग लोग विसर्जित कहाँ करते हैं, कहीं भी डालते हैं, कहीं भी छोड़ाते हैं। इससे बढ़िया आप गमले में डालो तो सबसे बढ़िया। नहीं तो आप घर में ड्रम में विसर्जित करो, उस पानी को गमलों में डालो, या आपके पास पास कोई झोड़ हो जिसमें कोई ना आता हो ना जाता हो ना कोई हाथ डालता हो पैर, मतलब जैसे लोग चले जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, वो चीज़ ना करें भाई। मैं तो गणपति बाबा का वो चीज़ नहीं करती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, 11 डेज का होता है, बट हमारे मंदिर में आज से गणपति बाबा परमानेंट बैठ गए। मैं फिर भी डेली पूजा करूँगी एंड आई होप कि गणपति बाबा सबके लिए अच्छे दिल लेकर आए। तो भाई इसी बात पे कमेंट में गणपति बाबा मोरिय लिख देना, और भाई प्लीज़ राधे राधे और जय श्री राम। तो भाई चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सीताराम दोस्तों। और कल का ब्लॉग भी स्पेशल रहेगा, बताएंगे कहाँ क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है।